मध्य प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर से शोरूम के सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। वहीं पर आग लगने से सर्विस सेंटर पर खड़ी कई गाड़ियां चपेट में आ गई और जलकर खाक हो गई हैं। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। ये क्या हुआ था, क्या जानकारी मिली? मैं ये पलासिया और एलआईजी के बीच में जो सांगी टोयोटा और टाटा बना हुआ है, इससे वर्कशॉप में आग लगी थी। मैं रोड से निकल रहा था तो यहाँ पे लाइटनिंग टाइप की दिखी और फिर मैंने जाके देखा तो करीबन 100-150 गाड़ियों में आग लग रही थी। दमकल की 100 नंबर पे 101 नंबर पे मैंने फोन लगाया, 15 मिनट में दमकल की गाड़ी आ गई थी और आग पे काबू पा लिया गया। पूरी गाड़ियों में जलकर काबू हुई? हाँ, लगभग 50% गाड़ियां जल गई है। आग भीषण आग थी, पीछे से लेके पूरी आगे तक आग थी और सेल्स शोरूम तक आग नहीं आ पाई, पर वर्कशॉप तक आग लगी। जब आग लगी थी अभी मुझे, हाँ जी, मैं किसी तरीके कोई जाना नहीं है? ना, जान हानि तो कुछ नहीं थी। दमकल की टीम ने बहुत अच्छा काम करा और तुरंत आग पे काबू कर लिया। जिस तरीके से आग थी वो तो बहुत भीषण आग थी और उससे काफी नुकसान जान को भी पहुंच सकता था क्योंकि पीछे रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी है। पर धन्यवाद करना चाहूंगा दमकल की टीम का। लगभग 50-60 गाड़ियां थी। ये सांगी मोटर में फायर हुआ जो इसका वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप में फायर हुआ और कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर तत्काल हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हमने 3-4 गाड़ी इकट्ठी, 2 गाड़ी पहले फर्स्ट में हमारी गाड़ी आई, फिर हमने 2 गाड़ी और बुलवाई है, उसके बाद में हमने इसको पानी मारने का प्रयास किया, उसके बाद आग बुझ गया। ये घटना का समय तो नहीं बता पाएंगे, मेरे ख्याल से आगे का समय होगा। मेरे ख्याल से उस समय फायर हुआ था और बड़ा फायर था, इसमें कम से कम मेरे ख्याल 100-200 गाड़ियाँ खड़ी थी और काफी मशक्कत करी हम लोगों ने। और हमने ये टाटा, ये पलासिया के पास, पलासिया के आगे है सांगी कंपनी, इसका शोरूम है इसका, ये अपने गैरेज जिसे बोलते हैं वो है। काफी गाड़ियों में भी आग लगी है, काफी गाड़ियों में भी आग लगी है, उसको बुझाने का हमने प्रयास कर रहे हैं। अभी लगातार प्रयास चल रहा है, मशक्कत करना पड़ी है, काफी मशक्कत करना पड़े पानी की, वो सब जगह हमको मशक्कत करना पड़ी क्योंकि गाड़ी घुसने की जगह नहीं थी और पीछे पिछवाड़े से भी हमने गाड़ी को लगाई है और पीछे जाकर के हमने हमारी जो गाड़ी लगी उसको बुझाने का प्रयास किया गया। मालूम पड़ा कितनी गाड़ियों में आग लगी और कितनी जल्दी? ये कहना मुश्किल है, अभी कितनी गाड़ियों में लगे देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा, लेकिन इनका वर्कशॉप में आग लगी है। अभी आग पे काबू पा लिया है? हमने आग को काबू पा लिया है। किसका है ये अभी कहना मुश्किल है, किसका अभी पूछने मालूम पड़ेगा, अभी तुम्हें आग ही बुझा रहा हूँ। आग का कारण अभी कुछ नहीं बता पाएंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते, जब तक देखेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं कुछ बोल सकते ना उसके लिए। आज का विषय, मेरा नाम सुशील कुमार दुबे, पुलिस फायर ब्रिगेड गांधिया।